सोलन में बिजली की आंख मिचौली से शहरवासी बेहद परेशान हो चुके हैं। आए दिन बिजली के कट लग रहे हैं। जब से सोलन में बर्फ गिरी है तब से तो मानो बिजली विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली के कट लग रहे हैं, जिसके कारण शहरवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। व्यवसाय चौपट हो चुका है, लेकिन बिजली विभाग है कि उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अधिकारी मानो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। उधर सोलन की जनता एक और जहाँ ठंड में ठिठुरने को मजबूर है, वहीं व्यवसायी जो पहले ही मंदी की मार झेल रहा है, उसका रहा सहा व्यवसाय भी पूरी तरह से चौपट हो रहा है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनका व्यवसाय पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है, लेकिन बिजली के कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चला है। उन्होंने कहा कि वे कई बार विभाग को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग सुत नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम कुछ देर में होना है, बिजली के कट लगने से उस कार्य में भी घंटों लग रहे हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि विभाग बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करे, ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित ना हो। हाँ सर, ये लाइट की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे एक एक घंटे बाद कट ऑफ हो जाता है। चलो जब तो चलो वेदर ख़राब होता है, चलो तब तो समझ आती है कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी या तूफान आ गया, तब तो चलो एक समझने वाली बात है कि उस टाइम कट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जब मौसम साफ होता है फिर भी कट्स लगते हैं। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है सर। अब जैसे किसी दुकानदार, कोई छोटा दुकानदार बैठा है, अब ज़रूरी नहीं है सर कि उसके पास इन्वर्टर हो ही हो। कोई कस्टमर आता है, कोई अंदर उसको कोई सामान किसी को दिखाना हो तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके लिए। और वैसे ही और भी बहुत सारे मार्केट में दिक्कतें होती है कि कोई सिलाई मशीन का काम कर रहा है, अब एक एक घंटे बाद कट जाएगा, आधा देखिए एक एक घंटे का कट लग जाता है, तो वो बड़ी समस्या का प्रॉब्लम हो जाती है सर इसमें। और रही बात सर ऐसे की, और रही बात बिल की, बिल इमीडिएट आ जाता है, उसमें कोई वो नहीं होता है। अगर एक दिन भी लेट या जो डेट दी होती है उससे भी अगर लेट हो जाए तो उसमें भी चार्जेस लग जाते हैं। अगर कस्टमर किसी कारणवश नहीं दे पाता है तो मीटर काटने आ जाते हैं। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि सर जो ये जो पावर कट का जो सिलसिला चल रहा है इसको थोड़ा सा इसके विषय में देखा जाए सर। आम तौर पर अगर हम बात करें परेशानियों की, क्या परेशानियाँ आप झेल रहे हैं लाइट ना होने की वजह से? अब सर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी शॉप जो है मेन मार्केट से थोड़ी सी आउटसाइड में है, तो अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि मेरे पास इन्वर्टर है या कोई जेनसेट की सुविधा है। अब मेरे पास वहाँ पे कोई कस्टमर आते तो मेरे को सामान दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, कई बार उनको ऑन करके भी दिखाना पड़ता है कस्टमर को, तो इस वजह से कस्टमर चला जाता है, लाइट है नहीं, वो तो बड़ी समस्या होती है सर इस चक्कर में। हमारी शॉप कॉम्प्लेक्स के अंदर है और यहाँ पे देखो लाइट नहीं है, इस टाइम तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे जो तारों के गुच्छे हैं, वो तारों के गुच्छे हैं पिछले 3-4 दिन से इतने जोर का वहाँ पे विस्फोट हुआ, जब इतने जोर के पटाखे स्पार्क करती है, वो पटाखा इतने जोर का हो रहा है उसमें कि ये कभी भी आग लग सकती है। यहाँ पे लकड़े बाजार में कई जगह तारों के ऐसे गुच्छे बनाए हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनके साथ जो तारे बची हैं उनके गुच्छा बना के रखा है उन्होंने, जिसकी वजह से हो ये प्रॉब्लम है कि आने वाले टाइम में कभी भी आग भी लग सकती है। तो थोड़ा सा जो ये तारे हैं इनको सही तरीके से करना चाहिए। और बार बार लाइट, आज लगभग ये 4th बार लाइट जा चुकी है। अभी मैं फ़ोन किया था ऑफिस तो उन्होंने बोला कि हमारी नाइट शिफ्ट है और हम तो अभी पहुंचे, पता नहीं किस वजह से लाइट गई है अभी प्रॉपरली, हमारे को ये भी पता नहीं लगा लाइट जा गई क्यों है, किस वजह से, किस टाइम पर आएगी। मेरा नाम शुभम है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। जैसा कि आपसे भी बताया कि यहाँ पर आजकल लाइट की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से हमें अपने कारोबार में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। जिस पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ़ोन हमारे पास फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आते हैं, लाइट ना होने की वजह से हमारे काफ़ी फ़ोन पेंडिंग पड़े हैं और कस्टमर भी काफ़ी, देख सकते हैं आप लाइट एकदम आ गई अब है ना, उस वजह से अब देखिए अब कस्टमर आके हमें पूछते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब हम इसमें क्या जवाब दें। और आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पे लाइटों तारों के गुच्छे बने हैं, किस दिन शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर कोई और दिक्कत आ गई। लक्कड़ बाजार में मेरी शॉप है, ये मशीनें वगैरह हम ठीक करते हैं, जैसे ही लाइट जाती है तो वैसे ही हमारा काम रुक जाता है और फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। मतलब कि 3-4 घंटे की मेहनत दोबारा से हमको दोबारा करनी पड़ती है। जब हम, मैं तो यह पूछना चाहता हूँ, जब हम बिल विल सब टाइम पे देते हैं तो फिर ऐसी परेशानी के क्या कारण है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और सरकार को या विभाग को देखना चाहिए कि भाई इसका ये हल निकाले जल्द से जल्द। तो कितनी देर से आपके यहाँ पर बिजली नहीं है और जैसे बात करें दिन में कितनी बार आपके कट लग रहे हैं? दिन में कम से कम 8-10 बार चली जाती है और दोबारा से फिर से वही काम शुरू करना था। जो काम 1 घंटे का होता है वही हमारे को 3-4 घंटे लग रहे हैं।